कक्षा छ के अध्याय सात, हमारा देश भारत। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। प्रायद्वीप स्थल वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किमी है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किमी है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किमी तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठारी, सतह तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यह जलवायु वन्य वनस्पति वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं को दिखाती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। क्या आप जानते हैं बड़े देश जिनका क्षेत्रफल पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है वह पूरा पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7, कनाडा में 6 मानक समय हैं। क्या आपको पता है रूस में कितने मानक समय हैं? स्थिति भारत की। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा से 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। नीचे चित्र 7.2 में दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूरब तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिम गोलार्धों में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किसी गोलार्ध में होगी। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यह दो छोरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय से बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इसी तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग घंटों का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतरों के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम से गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटा पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों कहा गया। इस यमोत्तर को भारत का मानक यमोत्तर भी कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश 7 देशों की स्थलीय सीमा इसकी सीमाओं से जुड़ी है। चित्र 7.1 में इन देशों के नाम का पता लगाइए। पहला अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा तिब्बत, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी। नीचे श्रीलंका, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह भारत का ही हिस्सा है। लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है। मालदीव भी भारत का हिस्सा है। अरब सागर के बगल में भारत तथा उसके पड़ोसी देश। भारत राजनीति, लद्दाख, ले श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, शिमला, देहरादून, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
सिक्किम, गंगाटोक भूटान, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर असम, दिसपुर शिलोंग्स, बांग्लादेश अगरतला, मणिपुर, नागालैंड इम्फाल, आइजोल मिजोरम, कर्क रेखा, म्यांमार, झारखंड गांधी उड़ीसा, झारखंड की राजधानी रांची, छत्तीसगढ़ रायपुर, बिहार पटना, मध्य प्रदेश भोपाल, गुजरात गांधीनगर, राजस्थान जयपुर, महाराष्ट्र मुंबई, तेलंगाना हैदराबाद, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, यमन पुंडुचेरी, बंगाल की खाड़ी, डॉट डॉट वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सिंगल डॉट वाले राज्य, सीमा राजधानी डॉट से राष्ट्रीय राजधानी के ऊपर लाल रंग का निशान। ये भारत का राजनीतिक मानचित्र। जून 2014 में तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य बना दिया गया। अब वो भी 29 राज्य के बजाय 28 ही राज्य हो गए हैं। इनमें से कौन से देश जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी है? दक्षिण में समुद्र में स्थित दो द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि को श्रीलंका से अलग करती है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश के 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन आज के समय में चेंज हो गया, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बने, जिसमें दमन दीव एंड पुंड दमन नगर हवेली और दमन दीव एक कर दिए गए। भारत की राजनीतिक एवं प्रशासनिक मैप में भारत का भौतिक मैप हिमालय से उत्तर की ओर चिपका हुआ भारत, जिसमें गंगा, यमुना, चंबल, अरावती, महारुस्थल, भारतीय झेलम नदी, चिनाब, सुराबी, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी भी भारत में आती। गंगा नदी तो आती ही आती। गोदावरी, दक्कन का पठार, बंगाल की खाड़ी, जैसा कि आपको ये मैप में दिखाया जा रहा है। ये टेढ़े वाले पर्वतीय अम्लिक पहाड़ी श्रेणी में आज थोड़े हल्के पीले वाले पर्वतीय, अब बिल्कुल पीले वाले पठारी मैदान और बिल्कुल हल्का पीला वाला मैदानी भाग 0 से किलोमीटर में, और में हिंद महासागर नीचे लटका दिखाया गया है में बांटा गया। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा राज्यों को जिला में बांटा गया। जलोढ़ निक्षेप, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी, एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृति विभिन्न प्रकार की हैं, जैसा पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व का सबसे ऊंची शिखर मध्य हिमालय या हिमांचल हिमद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिववालिका सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट हैं। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व की सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का
वह भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी का मुहाना कहते हैं। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित हैं। इसका आकृति ऊर्जाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ श्रृंखलाएँ तथा घाटियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व के सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदी बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं, जो अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री या पूर्वी पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। चित्र 7.3। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता होती है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी सकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान आओ कुछ करके सीखें। बहुत सी लड़कियों का नाम नदियों के नाम पर होता है, जैसे यमुना, मंदाकिनी तथा कावेरी। क्या आप अपने आसपास की किसी लड़की को जानते हैं जिसका नाम किसी नदी के नाम पर है? अपने माता पिता तथा दूसरों की सहायता से इस प्रकार के नामों की एक सूची तैयार करें। क्या आप जल से संबंधित दूसरों के नाम भी ढूंढ सकते हैं, जैसे शबनम? क्या आप जानते हैं कि प्रवाल छोटे समुद्री जंतु के कंकाल हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है? जब जीवित पॉलिप मरते हैं, तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचा होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। चित्र 7.4 प्रवाल द्वीपों को दिखाता है। ये रहे प्रवाल द्वीप। अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। सुनामी पाखुड़ी विद्या कक्षा 8B की लिखी। एक सवेरे पड़ी मनुष्य पर जले की काली छाया, सुनामी दानवी ने अपना प्रलयकारी कहर ढाया। समुद्र में उठा आलोड़न, मिलो दूर फैला साया। प्रकृति के विनाश ने मानव को अपना ग्रास बनाया। विनाश का था विकराल आकार, चारों ओर मचा हाहाकार। कोई नहीं बच पाया उससे, भागो बचाने अपने प्राण। हिंद महासागर था रक्षक, अब बना हमारा बच्चक। सवत निगल गया मानव को करके अस्तुक नष्ट। उठे हजारों हाथ प्रति क्षण सहायता में पीड़ितों के, यह दिखाने सागर को कि हम वो हैं जो कदापि नहीं डरते। रात थी काली फिर भी आशा की किरण चमकेगी, फिर जिंदगी करवट बदलेगी, हृदय में खुशियां दमकेगी। वैद्यनाथ स्नैक क्लास 4 गुड़िया। भारत द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप समूह,
अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से प्रायः दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्षा 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराती थी तो किस प्रकार के लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरी तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। सुनामी तो खतरनाक है, इसलिए क्वेश्चन आप कर लेंगे।